1984 नाम का एक फेमस उपन्यास है। ये कहानी है एक देश की जहां राज करता है बिग ब्रदर। बिग ब्रदर के देश में एक ही मंत्रालय सही से काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लव। इस मंत्रालय के अधीन आती है एक स्पेशल फोर्स जिसका नाम है थॉट पुलिस। थॉट पुलिस का काम है लोगों के विचारों को मॉनिटर करना। आप ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते जो बिग ब्रदर के खिलाफ जाता है। अगर आपके चेहरे पर ऐसे भाव भी उठे जिससे आप पर शक हुआ तो आप फेस क्राइम के अपराधी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बिग ब्रदर के देश में अंग्रेजी बोलना मना है। यहाँ एक नई भाषा चलती है जिसे न्यू स्पीक कहा जाता है। न्यू स्पीक में मरा हुआ व्यक्ति डेड नहीं है, वो अनपर्सन है, बुरा बैड नहीं है, अनगुड है। बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ लव का काम टॉर्चर करना है। बिग ब्रदर की पार्टी का स्लोगन है वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। बिग ब्रदर के देश में इसे डबल थिंक कहते हैं, यानी दो परस्पर विरोधी विचारों को एक साथ मानना। उपन्यास के अंत में आपके पास कोई चारा नहीं होता सिवाय बिग ब्रदर की जय जयकार करने के अलावा। एक तानाशाही रजीम के खतरों से आगाह करता ये उपन्यास लिखा था जॉर्ज ऑरवेल नाम के लेखक ने। ऑरवेल का ऐसा ही एक और उपन्यास है एनिमल फार्म, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़िए। बहरहाल आयरनी देखिए कि जिस देश में ऑरवेल ने अपनी ज़िंदगी के 5 वर्ष बिताए वो खुद एक तानाशाही सैन्य सरकार से जूझ रहा है। हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की। पहले से बर्मा के नाम से जाना जाता था और ये बर्मा कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। आज आपको सुनाएंगे कहानी कि बर्मा भारत से कैसे अलग हुआ और क्यों अलग हुआ। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं तारीख। तो कहानी शुरू होती है भारत की आजादी से लगभग 10 साल पहले से। अखबार की कतरन के ऊपर तारीख लगी थी 2 अप्रैल 1937। हेडलाइन थी इंडिया बॉयकॉट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत में नए संविधान का बहिष्कार। खबर थी कि कांग्रेस ने हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। कलकत्ता कॉरपोरेशन ने भी एक दिन के लिए स्कूल ऑफिसों को बंद रखने का आह्वान किया था। इस उथल पुथल का कारण था उस साल 1 अप्रैल को लागू हुआ नया संविधान जिसके चलते बर्मा भारत से अलग हो रहा था। इस खबर के बाहर आते ही खलबली मच गई। वहीं बर्मा में इससे बिल्कुल उलट तस्वीरें दिख रही थीं। भारत में जहां विरोध प्रदर्शन और धरना चल रहा था, वहीं बर्मा में इसी बदलाव का स्वागत किया जा रहा था। इस तारीख को बर्मा में छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी। लोगों ने इस दिन को किसी त्यौहार की तरह मनाया। नए संविधान के तहत बर्मा एक अलग ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। ब्रिटिश भारत के अंतिम शासक किंग जॉर्ज VI ने इस बात की घोषणा की, कहा कि बर्मा भारतीय साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। हालांकि सवाल उठता है कि अगर बर्मा भारत से अलग हुआ तो भारत का हिस्सा बना कैसे। साल 1885 में अंग्रेजों और बर्मा के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बर्मा को हार मिली और ऊपरी बर्मा को भारत का एक प्रांत बना दिया गया। बर्मा पर कलकत्ता से शासन किया जाता था। हालांकि बर्मा के लोग इससे खुश नहीं थे, वो बर्मा को भारत से अलग मानते थे। साल 1918 में ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को अलग करने का विचार किया, लेकिन तब सैन्य कारणों से उसे भारत का ही हिस्सा रखा गया। इसी के चलते 1920 आते आते बर्मा में असंतोष पनपने लगा। इस समय तक रंगून को अप्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक कहा जाता था, जो न्यूयॉर्क के बाद दूसरे स्थान पर था। ये बात कई लोगों को ठीक नहीं लगी। बर्मा के लोगों का कहना था, ब्रिटेन द्वारा बर्मा पर कब्जा करने के बाद से हजारों लाखों भारतीय हमारे श्रम और भूमि का शोषण करने के लिए हमारे तटों पर आ गए हैं। बर्मा के लोग एक तरफ इमिग्रेशन का विरोध कर रहे थे, वहीं असंतोष का एक बड़ा कारण आर्थिक असमानता थी। अंग्रेजी में टीक और हिंदी में सागौन, ये एक तरह का पेड़ है जिसका उद्योग फैला था बर्मा में। वहाँ के लोग इस बात से नाराज होने लगे। उन्हें लगने लगा कि भारत और चीन के प्रवासी लोग उनके सागौन उद्योग का फायदा उठा रहे थे। बात यह भी हुई कि सागौन उद्योग से बनने वाली संपत्ति यूरोपीय लोगों के हाथ में जा रही थी। 1931 में बर्मा में जनसंख्या के 7% लोग भारतीय थे, लेकिन बर्मा के लोगों में रोष का कारण ये था कि लोग ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 1930 के दशक में ब्रिटिश बर्मा की राजधानी रंगून में 55% नगरपालिका टैक्स 7% भारतीयों ने दिया था, वहीं स्थानीय बर्मीज ने केवल 11% टैक्स दिया था। बर्मा के लोगों को लगा कि अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्सों पर भारतीयों का कंट्रोल है। आर्थिक असमानता को आधार बनाकर कई और दावे भी किए गए। ब्रिटिश और बर्मा के कई अधिकारियों ने कहा कि बर्मा और भारत के अलग होने से बर्मा की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। 1928 में यूमिया यू नाम के एक बैरिस्टर ने एक पैम्फलेट लिखा, शीर्षक था बर्मा को भारत से अलग करने की अपील। इसमें दावा किया गया कि बर्मा भारत का एक प्रांत था, इसलिए उसे हर साल राजस्व में 68 मिलियन रुपए का नुकसान होता था, जो कि 1927 से 1928 के कुल राजस्व के 63% के बराबर था। इसी लेखक ने एक शिकायत की, कहा कि बर्मा से मिलने वाला पैसा सीमांत इलाकों जैसे अभी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा था।
इतना ही नहीं, अंग्रेजों का भी मानना था कि बर्मा और भारत के अलग होने से बर्मा की अलग ट्रेड पॉलिसी बनाई जा सकेगी जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। दूसरी तरफ बर्मा और भारत में कई व्यापारियों का मानना था कि ऐसा करना आर्थिक हितों के लिए हानिकारक होगा, कारण कि दोनों की अर्थव्यवस्था आपस में काफ़ी हद तक जुड़ी हुई थी। अलग होने से बर्मा को भारी खर्चा उठाना होगा जिसे भारत सरकार बर्मा में बनाई गई रेलवे की क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान की मांग करेगी। अल्पसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने भी इस अलगाव पर आपत्ति दर्ज कराई। उनकी चिंता थी कि नई अलगाववादी सरकार उनके अधिकार वापस ले लेगी और उन्हें विदेशी करार देगी। एक दूसरी आपत्ति कलार शब्द के इस्तेमाल को लेकर भी जताई गई। इसका प्रयोग विदेशियों के लिए एक अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता था, खासकर दक्षिण एशिया से आए लोगों के लिए। हालांकि इन समूहों ने यह भी कहा कि अगर अलगाव के समर्थन में बहुमत होगा तो वो रास्ते में नहीं आएंगे। ये तो हो गई कारणों की बात। अब बात करेंगे टाइमलाइन की, कब क्या हुआ। बर्मा के माउंग पो बाय नाम के एक विधायक ने 1922 में एक कमेटी बनाने का अनुरोध किया जो भारत और बर्मा के अलगाव के विषय पर विचार करती। बर्मा विधान परिषद के अध्यक्ष ने इस याचिका को खारिज कर दिया, कहा कि इस याचिका को समय से पहले पेश किया गया है। ऐसी मांग तब उठाई जा सकती है जब बर्मा में उचित संविधान हो। इसके बावजूद 2 साल बाद 1924 में बर्मा की विधान परिषद ने भारत से अलग होने का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव में भारतीयों के प्रति कोई नफरत नहीं दिखाई गई। इसमें कहा गया एक न एक दिन बर्मा को भारत से अलग करना ही होगा। अतीत में बर्मा को भारत से कई लाभ मिले हैं, लेकिन बर्मा के लिए उचित नहीं है कि वह हमेशा के लिए भारत से जुड़ा रहे। इसके बाद आया साल 1928 जब सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह भारत आया। इसी समूह को साइमन कमीशन कहा जाता है। कमीशन को बर्मा सरकार ने गुप्त ज्ञापन सौंपा जिसमें इस मामले को उठाया गया। इसके बाद जनवरी 1929 में साइमन कमीशन को बर्मा भेजा गया था। अंग्रेजों को दिए गए उस ज्ञापन में कहा गया कि बर्मा के लोग भारतीयों से उतने ही अलग हैं जितने कि वो अंग्रेजों से हैं। इसके पीछे तर्क दिया गया कि 1044 ईस्वी तक भारत और बर्मा के बीच बहुत कम या नहीं के बराबर संपर्क था। भारतीय एक अलग समुदाय से आते हैं, उनका एक अलग इतिहास, एक अलग धर्म, अलग भाषा, एक अलग सामाजिक व्यवस्था, अलग रीति रिवाज और जीवन के प्रति एक अलग नजरिया है। उस ज्ञापन के अनुसार तब बर्मा की जनसंख्या थी लगभग 1,30,00,000 और भारत की जनसंख्या थी लगभग 24,70,00,000। ज्ञापन में कहा गया कि छोटी आबादी वाला बर्मा एक बड़ी आबादी वाले भारत से जुड़ा है जिससे उसका कोई जातीय, सामाजिक या धार्मिक संबंध नहीं है। ज्ञापन में एक राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा पर सवाल उठाया गया। कहा गया कि भारत में समुदायों के बीच वास्तविक मेल नहीं हो पाया है। इसके लिए एक मुस्लिम नेता के बयान का हवाला दिया गया जिसने 1925 में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि जब वो एक हिंदू पड़ोसी के घर में प्रवेश करता तो उसे किसी विदेशी सभ्यता जैसा लगता था। इस तर्क को और अधिक पुष्ट करने के लिए भारत की जाति व्यवस्था और क्षेत्रीय मतभेदों पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया जब भारत से अंग्रेज वापस जाएंगे तब क्या वहाँ एकजुट सेना हो सकती है। ज्ञापन में लिखा गया था कि उस समय किसी भी हाल में इस बात की कल्पना करना मुश्किल था कि मद्रासी, बंगाली, ब्राह्मण, सिख, पंजाबी और पठानों की एक ही रेजिमेंट और एक ही कंपनी में साथ साथ भर्ती होगी। उस समय बर्मा लेबर और कोयले जैसी चीज़ों के लिए भारत पर निर्भर था और भारत चावल, धान, पेट्रोल और सागौन के लिए बर्मा पर निर्भर था। दोनों देश आपस में जुड़े थे। इसको ध्यान में रखते हुए बर्मा की तरफ से कहा गया कि भारत से अलग होने पर कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने अलगाव की मांग की। नुकसान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये अलगाव आपसी सहमति और सद्भावना के साथ होना चाहिए, इसमें कोई नाराजगी या कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें उस ज्ञापन में कही गईं। फिर आया साल 1930 जब साइमन कमीशन ने बर्मा को भारत से तुरंत अलग करने की सिफारिश कर दी। लंदन में बैठे अंग्रेजी अधिकारियों ने इस सिफारिश को मान भी लिया, लेकिन इससे पहले बर्मा में वोटिंग कराने का फैसला किया गया। 1932 में डॉक्टर बामाव ने एंटी सेपरेशन लीग की स्थापना की जिसने इस अलगाव का विरोध किया। कहा गया कि भारत से अलग होने के बाद बर्मा को अंग्रेजों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। इसी साल आम चुनाव हुए। इन चुनावों में एंटी सेपरेशन वाले नेता और अलगाववादी नेता आमने सामने थे। इस चुनाव को भारत के बर्मा के अलग होने के मुद्दे पर जनता की राय के सर्वे के रूप में देखा गया। ये माना जा रहा था कि सेपरेशन लीग की जीत होगी, लेकिन किसी भी पक्ष को 45 सीटों का बहुमत नहीं मिल पाया। सिर्फ इतना ही नहीं, सेपरेशन लीग को 29 सीटें ही मिली जबकि एंटी सेपरेशन लीग को 42 सीटें। इस चुनाव से निष्कर्ष निकाला गया कि बर्मा के ज़्यादा लोग भारत से अलग नहीं होना चाहते। हालांकि अंग्रेजों ने बर्मा के लोगों की इस राय को नकार दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने दावा किया कि सेपरेशन लीग को भरोसा था कि उनकी जीत होगी, लेकिन उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक से अपना प्रचार प्रसार नहीं किया। अंग्रेजों ने माना कि बर्मा के लोग अपने मन की बात नहीं जानते। उन्होंने अलगाव और बर्मा के लिए एक विस्तृत संविधान के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। अंग्रेजों का एक डर यह भी था कि अगर उन्होंने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया तो बड़े पैमाने पर भारत विरोधी अशांति फैल जाएगी जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा सकते थे।
इस तरह द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 लाया गया और इस बात की पुष्टि की गई कि 1 अप्रैल 1937 से बर्मा भारत से अलग हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। हालांकि इस बदलाव में बर्मा में रहने वाले भारतीयों पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1938 में बर्मा में एंटी इंडियन दंगे हुए, लेकिन इसके बावजूद 1942 तक रंगून जैसे शहरों में भारतीय समुदाय के लोग फलते फूलते रहे। 1942 में विश्व युद्ध के दौरान कई भारतीयों को बर्मा छोड़ना पड़ा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वे भी वापस लौट गए। आज़ादी के बाद बर्मा में रहने वाले भारतीयों की संख्या अच्छी खासी थी। भारतीय बर्मा में व्यापार करते थे और रंगून पूरे भारत में एक जानी पहचानी जगह थी। मेरे पिया गए रंगून जैसे गाने बताते हैं कि बर्मा और भारतीयों के बीच एक स्पेशल कनेक्शन हुआ करता था। हालांकि साल 1962 में बर्मा में एक सैन्य तानाशाह जनरल ने सत्ता पर पकड़ बना ली और उन्होंने भारतीयों को देश निकालने का आदेश दे दिया। भारतीय लोगों की दुकानें, उनके ऑफिस, सिनेमाघर सब बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि भारतीय समुदाय के स्कूलों को भी सरकार ने हथिया लिया। इस दौरान भारतीयों को कलार या काला कहकर बुलाया जाता था, जो एक रंग भेदी टर्म था। 1962 में हुए शोषण के चलते कई भारतीय बर्मा छोड़कर वापस लौट आए, क्योंकि भारत जैसा भी था एक लोकतंत्र था। साइमन कमीशन ने शक जताया था कि भारत के लोग मिलजुल कर नहीं रह सकेंगे। वक्त बेवक्त पश्चिम के कई देशों ने भी सवाल उठाए कि क्या भारतीय लोकतंत्र बना रह सकेगा, लेकिन भारत ने बार बार ये प्रूव करके दिखाया कि यहाँ लोकतंत्र की जड़ें पर्याप्त मजबूत हैं। सरकारें आई गई, नेता आए गए, लेकिन ये विचार हमेशा कायम रहा कि युद्ध शांति नहीं है, गुलामी आज़ादी नहीं है और अज्ञान मजबूती नहीं है। उम्मीद है ये विचार ऐसे ही हमेशा कायम रहे। आज का तारीख का एपिसोड आपके लिए लिखा था हमारे साथी रवि सुमन ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।